नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु पूर्णिमा, अरे गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, तोड़ दिया लाखों शिष्यों का भरोसा, आपके भी साथ हो सकता है इसका कनेक्शन। गुरु पूर्णिमा पर आज लगभग सभी लोग अपने गुरु माता पिता या ईश्वर के चरणों में जा रहे हैं। आज गुरु के बारे में नेगेटिव पढ़ना या सुनना शायद किसी को पसंद भी नहीं आए, लेकिन इस बीच पांच ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं हम जिनका लाखों नहीं करोड़ों भक्तों ने भरोसा किया। उनमें से कई का भरोसा अब टूटता जा रहा है। जिन पांच गुरुजी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी एक को भी आपका कनेक्शन हो। अपनी कुछ हरकतों के चलते उन्होंने लाखों शिष्यों के आस्था को ढेस पहुँचाई है। आसाराम और बेटे नारायण साईं को नहीं मिल रही बेल। भारत समेत दुनिया के 8 देशों में आसाराम के भक्त हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है। करोड़ों की प्रॉपर्टी आश्रम के नाम से है, सो अलग। आसाराम पर कुछ साल पहले अपनी शिष्य से रेप के जो आरोप लगे वो आज तक जोधपुर जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने बेल देने से इनकार कर दिया। कुछ समय पहले आसाराम के बेटे नारायण साहिर पर भी जमीनों की अवैध तरीके से खरीद और कब्जे के आरोप लगे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल पिता पुत्र जेल में हैं। सरकार उनकी संपत्ति की ऑडिट करा चुकी है। हालांकि आसाराम के कई भक्त अब भी उनको बेकसूर मानते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर जेल में जाकर मिलने की कोशिश करते हैं। नियम अनुसार मुलाकात नहीं हो पाती तो जेल की दीवारों की ही पूजा कर लौट जाते हैं। आज भी जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। राम रहीम ने तोड़ा भक्तों का भरोसा। साध्वी दुष्कर्म और मीडिया पर्सन की हत्या के आरोप में गुजरे करीब 18 महीनों से हरियाणा की जेल में बंद राम रहीम जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 40 दिन की पैरोल मांग की है, अपने खेत और ज़मीनें संभालने के लिए और खेती करने के लिए। राम रहीम के भी समर्थक और भक्तों की संख्या लाखों में है। हरियाणा के सिरसा में राम रहीम ने अपने आश्रम में एक सिटी का रूप दे रखा है। उसमें रहने वालों को कहीं भी करेंसी लेनी होती है। उन पर इन दोनों आरोपों के अलावा भी कई आपराधिक आरोप हैं। राजस्थान में भी उनके भक्तों की संख्या अच्छी खासी है। जयपुर के मालवीय नगर में तो एक महिला ने उनके आश्रम में जाने के बाद लापता होने का मामला चल रहा है। महिला अभी तक भी लापता है। बाबा राजेंद्र दीक्षित ने किया बच्चियों के साथ धोखा। दिल्ली के रहने वाले आध्यात्मिक बाबा वीरेंद्र दीक्षित का जयपुर से सीधा कनेक्शन है। दीक्षित का झोटवाड़ा में जो आश्रम है उसकी कुंडली पूरी तरह से पुलिस आज तक नहीं खोल सकी है। बाबा पर आरोप है कि भारत के अन्य राज्यों में स्थित अपने कई आश्रम में वह आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर नाबालिग बच्चियों और युवतों के बंधक बनाकर रखता था। इस केस में CBI को उसकी तलाश है। वीरेंद्र को आखिरी बार अपने मैनेजर पत्नी के साथ नेपाल में देखा गया था। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। अब उसको भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। दाती महाराज के खिलाफ जारी है जांच। दाती उर्फ मदन महाराज के राजस्थान में कई आश्रम हैं और भक्तों की संख्या लाखों में है। करीब एक साल पहले उन पर रेप के आरोप लगे तो पुलिस और अन्य जांच एजेंसी उनके पीछे हो गई। दाती उर्फ मदन महाराज के केस की जांच फिलहाल CBI कर रही है। हालांकि CBI के लचर जांच रवैये से कोर्ट नाराज है और इसी साल जनवरी में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI दिल्ली के अफसरों को फटकार भी लगाई। शनि महाराज के नाम पर दाती उर्फ मदन महाराज ने अपना पूरा कारोबार जमा रखा है। दूध से नहाने वाले फलहारी बाबा पर रेप के आरोप। अलवर के एक आश्रम में रहने वाले फलहारी बाबा सिर्फ फलों का भोग लगाते हैं और दूध से नहाते हैं। एक शिष्या ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया और अश्लील हरकतें की। फिर पुलिस ऐसी पीछे पड़ी कि कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। आरोपी कौशलेंद्र प्रपनाचार्य उस फलहारी बाबा को एक कोर्ट ने तो दोषी करार कर दिया है। फलहारी बाबा के भक्तों की संख्या भी लाखों में है, उनसे ऐसे ही कोई नहीं मिल सकता।